तो नमस्कार, चलिए आपको दिखाते हैं। आज गणेश चतुर्थी पे हम अपने घर की तैयारी कर रहे हैं गणेश जी को बिठाने के लिए। तो ये देखिए टेबल है और इधर हम कर रहे हैं डेकोरेशन। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या करते हैं हम लोग। ये देखिए ये हमारी टेबल और इस दिशा में हम अपने गणेश जी भी बिठा लेंगे। तो ये देखिए अब इधर हम पूरा डेकोरेशन करने वाले हैं। ये देखिए सब अभी तो सब ऐसा ही फैला पड़ा है। तो चलिए अब इधर करते हैं डेकोरेशन और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए टेबल के पीछे हमने अपना जो रियल वाला हमारा प्लांट है वो रख दिया है। ये देखिए हमारे बड़े भाई साहब हमारी डेकोरेशन में हेल्प कर रहे हैं। थोड़े भाई के विचार अलग हैं, पापा के विचार अलग हैं, माँ के विचार अलग हैं और एक छोटे से विचारशील इंसान है। ये देखिए बड़े भाई साहब हमारे कुछ कुछ कर रहे हैं। हे गणेश भगवान जी इनको आशीर्वाद दो, इनकी मनोकामनाएं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम अपनी मनपसंद लड्डू लेके तो आ गए, अब क्या चाहिए तुम्हें बोलो? मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। आपको भी यही, आप दोनों की तो बोला है गणेश जी महाराज सहज को और संयम को अपना आशीर्वाद दें। ये अच्छा लग रहा है कि जिंदगी में आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए बड़े भाई की कलाकारी हमारी बहुत सुंदर, वेरी गुड। ये बगल में इनके छोटे से क्रिटिक्स खड़े हैं, क्रिटिक्स बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है ना संयम? ठीक है, चलिए अब और आगे करते हैं। प्रोसेस पे है अभी है ना, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते, यही बोलते ना, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ वर्क इन प्रोग्रेस। कार चल रहा है? हाँ कार चल रहा है। ओके हाँ वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद क्या होगा? सामान हटेगा, लाइट जलेगी, फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा और फिर नाचेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है गणेश जी की स्थापना की। ये देखिए सुंदर सी बहुत प्यारी सी तैयारी होके। चलिए अब हम करते हैं गणेश जी की स्थापना। तो सबसे पहले मैंने ये पटा ले लिया है। ये देखिए आप सुंदर सा पटा है। चलिए अब उसके ऊपर मैंने ये बिछाया लाल कपड़ा। तो चलिए तो ये देखिए लाल कपड़े के ऊपर मैंने केले का पत्ता रख लिया। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे रोरी से सातिया। तो चलिए सातिया बनाते हैं। तो ये देखिए हमारा स्वास्तिक बन चुका है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़े से चावल। तो ये देखिए चावल रख दिए हैं। अब चलिए गणेश जी को इन पर स्थापित करते हैं। चलिए गणेश जी की स्थापना करते हैं हम। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। तो चलिए अब इन गणेश जी के सामने हम अपने घर वाले गणेश जी की भी स्थापना करेंगे। तो ये हमारे घर वाले गणेश जी हैं। जय श्री गणेश। इसके बाद हमने ये दो पान के पत्ते रख दिए हैं और अब हम इनके ऊपर करेंगे रिद्धि सिद्धि की स्थापना। इन पान के पत्तों के ऊपर थोड़े चावल रखेंगे और सुपारी रखेंगे जो कि हम रिद्धि सिद्धि के रूप में रखते हैं। तो ये देखिए हमने रिद्धि सिद्धि की स्थापना कर दी है। तो चलिए अब हम कलश की स्थापना करते हैं गणेश जी के बगल में। तो ये देखिए चावल का मैंने 9 ढेर छोटे छोटे रखे थे, 8 आसपास और एक बीच में। तो ये हमने अष्ट दल बना लिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर कलश की स्थापना करते हैं। तो ये देखिए कलश रख दिया है। तो चलिए अब कलश में आम के पत्ते लगाते हैं हम और आम के पत्तों में लगाएंगे हम रोरी और हल्दी से टीका। तो ये देखिए मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं 5। आप चाहो तो इसकी जगह आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे रोरी से टीका। तो ये देखिए सब पत्तों में मैंने टीका लगा लिया है। अब हम कलश के ऊपर सातिया बनाएंगे एक।
तो ये देखिए कलश पे सांतिया बना दिया है और इसमें मैंने पत्ते लगा दिए हैं। तो अब चलिए नारियल रखते हैं इसमें। तो चलिए अब हम गणेश जी के सामने, गणेश जी के जो कलश रखा है मैंने बगल में, उसमें हम ये नारियल पे कलावा बांध लिया है और अब हम इस नारियल को कलश पे रखते हैं। ये देखिए हम गणेश जी को 5 तरह के फल चढ़ा देंगे और मिठाई, मोदक, लड्डू, दो तरह के। और हम गणेश जी को पंचमेवा रख देंगे। और ये देखिए मैंने ये कांसे की थाली ले ली, तो इसमें मैंने सब रख लिया है, चावल, सिंदूर, रोरी, जल, दीपक, फूल, कपूर माला और ये दूबा। तो चलिए अब हम अपने गणेश जी की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने गणेश जी को टीका लगाएंगे। ये रिद्धि सिद्धि के रूप में विराजमान है। अब हम वस्त्र के रूप में गणेश जी को जनेऊ पहनाएंगे। दूसरा जनेऊ हम अपने दूसरे वाले गणेश जी को पहनाएंगे, छोटे वाले गणेश जी को। रिद्धि सिद्धि को भी हम वस्त्र के रूप में ही कलावा धारण करवाएंगे। हम अपने गणेश जी के लिए माला लाए हैं। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टि विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, विंधेश्वराय वरदाय, सुरप्रियाय लंबोदराय, सकलाय जगदीदाय, नागण्य रिसूति यज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय, गणनाथ नमो नमस्ते। चलिए अब हम अपने गणेश जी को गेंदा के फूल की माला पहनाएंगे। आपके पास गुड़हल के फूल, हमारे यहाँ उसको बोलते लाल फूल, वो भी गणेश जी को बहुत पसंद है। अगर आपके पास वो हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो हम गणेश जी की सबसे प्रिय दूबा वो चढ़ाएंगे उनके ऊपर। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टि विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, अष्टि विनायक नमो नमः। तो ये दूसरी दूबा हम दूसरे वाले गणेश जी को चढ़ाएंगे। अपने दूबा गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। अब मैंने ये आरती के लिए दीपक जला लिया है और ये कपूर ले लिया, तो चलिए कपूर को जलाते हैं और आरती करते हैं। लो संयम, फूल लो हाथ में, सहज हो संयम। जय 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 ज
जय का लिंग बेला की जय जयकार बोलो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। बोलो पार्वती पति हर हर महादेव।